हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड का जो ड्रामा है द डॉल ड्रीमर उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो यूनिट थर्ड है हमारी, इसमें दो ड्रामा है। एक तो है सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर, ये महेश दत्तानी ने लिखा है। इसको हम पिछले वीडियो में इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। और ये सेकंड ड्रामा है द डॉल ड्रीमर्स, ठीक है, ये आसिफ कीरुम्बो ने लिखा है। तो 66 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर के पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम 67 से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड आसिफ कीरुम्बो बॉर्न, कब और कहाँ आसिफ कीरुम्बो का जन्म हुआ था। तो 1928 मुंबई में इनका जन्म हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मैनी प्लेस डिड आसिफ कीरुम्बो रॉट, आसिफ कीरुम्बो ने कितने प्लेस लिखे थे। तो इन्होंने 30 प्ले लिखे थे, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इन विच कॉलेज डिड आसिफ कीरुम्बो स्टडी, कौन सी कॉलेज में आसिफ कीरुम्बो ने स्टडी की थी। तो एसटी एक्सवियर्स कॉलेज में इन्होंने स्टडी की थी, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंपनी डिड आसिफ कीरुम्बो इनिशियली वर्कड व्हाइल रिटर्निंग टू इंडिया। इन्होंने इनिशियली कौन सी कंपनी में काम किया था जब वह भारत लौटे थे। तो बर्मा शेल कंपनी थी, ये ऑयल लिमिटेड कंपनी है, रिफाइनरी कंपनी है, इसमें इन्होंने वर्क किया था। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, आसिफ कीरुम्बो फर्स्ट प्ले बाज, आसिफ कीरुम्बो का फर्स्ट प्ले कौन सा है। इनका फर्स्ट प्ले गोवा है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले डॉल ड्रीमर्स इज रिटन बाई, डॉल ड्रीमर प्ले है वो किसने लिखा है, ये करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाई आसिफ कीरुम्बो, निम्नलिखित प्ले में से कौन सा प्ले है जो आसिफ कीरुम्बो ने नहीं लिखा है। तो ये तो सभी प्ले हैं, ये हंगर पोएम है, ये जयंत महापात्रा ने लिखी है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ये पोएम है हंगर, ये जयंत महापात्रा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, आसिफ कीरुम्बो प्लेस ऑफर्स फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन, तो आसिफ कीरुम्बो का जो प्ले है ऑफर्स करता है, देता है फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, फ्रेश पर्सपेक्टिव से मतलब नया परिपेक्ष, नया दृष्टिकोण, ऑन किस पर आधारित, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर वो अपना फ्रेश पर्सपेक्टिव्स इनका प्ले शो करता है, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉल ड्रीमर्स प्ले डील्स विद हाउ मैनी एंग्लो इंडियंस, तो डॉल ड्रीमर प्ले जो है डील्स करता है विद हाउ मैनी एंग्लो इंडियंस, कितने एंग्लो इंडियंस को शो करता है। एंग्लो इंडियन वो इंडियन होते हैं जो, उन इंडियन को कहा जाता है जो किसी उद्देश्य के लिए, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए भारत में आकर बस गए हैं, ठीक है, तो टू जो एंड टोनी, ठीक है, जो, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट, निम्नलिखित ड्रामेटिस्ट में से कौन सा ड्रामेटिस्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया डॉक्यूमेंट्री को, वृत्तचित्र को, एंड क्रिटिक टेक्निक को, आलोचनात्मक तकनीकी को इन इंडियन इंग्लिश ड्रामा, इंडियन इंग्लिश ड्रामा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आसिफ कीरुम्बो ने ही इसको, क्रिटिक टेक्निक को, डॉक्यूमेंट्री को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, When did the Doll Dreamers play publish? Doll Dreamer play कब पब्लिश हुआ था, 1958 में पब्लिश हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एक्ट
हाउ मच नहीं होना चाहिए, हाउ मैनी होना चाहिए, गलत है ये। हाउ मैनी संख्या के लिए हाउ मैनी यूज किया जाता है, ठीक है, और मात्रा के लिए हाउ मच यूज होता है। तो हाउ मैनी एक्ट्स, क्वेश्चन ही पूरा गलत है ये। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर, इस तरह से होना चाहिए, हाउ मैनी एक्ट्स, हाउ मैनी एक्ट्स प्ले हैज, ऐसे करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इतना समझ लो इसमें ये पूछा गया है कि कितने एक्ट हैं इस डॉल ड्रीमर्स प्ले में। ओके, तो ये टू एक्ट प्ले है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉल ड्रीमर्स एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ, डॉल ड्रीमर्स जो है किसकी लाइफ को एक्सप्लोर्स करती है, तस्वीर करती है एंग्लो इंडियंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड डॉल ड्रीम्स मीन, डॉल ड्रीम्स का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ एक्टिविटी, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका मतलब है स्टेट ऑफ एक्टिविटी। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, प्ले के बिगनिंग में टॉनी इज लाइंग ऑन द कोच, टॉनी एक कोच पर लेटा हुआ है, विद विच इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ। नाटक जब स्टार्ट होता है तो नाटक के स्टार्टिंग में एक जू प्ले बीच है, वहाँ पर एक टॉनी जो इस प्ले का जो प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो एक कोच पर लेटा हुआ है। कोच होता है एक तरह से, आपने देखा होगा जो बहुत रिच पर्सन्स होते हैं उनके घरों में या गार्डन बना होता है, उसमें झूला टाइप बना होता है, ठीक है, उस पर बैठ के चाय पीना, मस्ती करना, बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, तो वही कोच, ठीक है। उस कोच पर लाइंग लेटा हुआ है, विद विच इंस्ट्रूमेंट, और उसके हाथ में क्या इंस्ट्रूमेंट है, वो गिटार बजा रहा था कोच पर बैठ करके, ओके, गिटार, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, हु किसेस रीता एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, रीता को कौन किस करता है प्ले के बिगनिंग में, ओके, करेक्ट ऑप्शन ए, टॉनी किस करता है, जहाँ टॉनी एक कोच पर बैठा गिटार बजा रहा होता है और रीता वहीं जाती है। रीता मेन, ये कह लीजिए टॉनी मेन कैरेक्टर है, मेल मेन कैरेक्टर है, और रीता फीमेल मेन कैरेक्टर है, ओके। तो हु किसेस रीता एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, तो टॉनी गिटार बजा रहा होता है झूले पर बैठा हुआ कोच पर, तो वहीं रीता जाती है और उसके बालों में, बालों को सहलाती है, वो बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इज जेलस ऑफ, जो को किससे जलन है, मतलब किससे जेलसी करता है, जलता है टॉनी से, ओके। जो और ये दोनों दोस्त हैं और लेकिन उससे टॉनी से ये जेलसी करता है। हु हैज़ गिवन टॉनी ए वॉच, किसने टॉनी को एक वॉच दी गिफ्ट के रूप में, तो जो लीजा थी वो टॉनी को गिफ्ट के रूप में एक वॉच देती है, तो रीता को ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो रीता इस बात से बहुत परेशान हो जाती है फिर, और लेकिन वो इतनी रिच नहीं होती कि वो भी कुछ गिफ्ट अरेंज करे, खरीदे और टॉनी को दे, वो भी देना चाहती है कि मैं भी टॉनी को, क्योंकि वो प्यार करती थी टॉनी को रीता, तो फिर वो अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन, मतलब वो प्रोस्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लेती है। तो हु हैज़ गिवन टॉनी ए वॉच, टॉनी को एक वॉच किसने दी, लीजा ने दी, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। विच कैरेक्टर इन द प्ले टर्न्स इनटू प्रोस्टिट्यूट, मतलब इस प्ले में कौन सा कैरेक्टर है जो प्रोस्टिट्यूट्स में अपने आप को टर्न्स कर लेता है, मोड़ लेता है प्रोस्टिट्यूशन के, वैश्यावृत्ति कौन अपना लेता है, रीता, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। रीता प्रोस्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेती है क्योंकि वो पैसा कमाना चाहती है और पैसे से कुछ गिफ्ट खरीद करके टॉनी को देना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why Rita turns into prostitution? रीता अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन
की तरफ क्यों मोड़ लेती है, प्रोस्टिट्यूशन क्यों अडॉप्ट कर लेती है? बिकॉज क्योंकि शी वांट्स टू अर्न एंड प्रोवाइड द गिफ्ट टू टॉनी, बिकॉज वांट्स टू अर्न द प्रोवाइड द गिफ्ट टू जो लीजा। हाँ, करेक्ट ऑप्शन ए हुआ, बिकॉज शी वांट्स टू अर्न एंड प्रोवाइड गिफ्ट टू टॉनी। वह मनी कमाना चाहती है और टॉनी को गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहती है। लीजा ने जब उसे गिफ्ट दी तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो टॉनी को बहुत प्यार करती थी, पैशनेटली प्यार करती थी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू प्रिमिटिव नीड्स डिस्क्राइब इन द प्ले। दो कौन सी प्रिमिटिव नीड्स हैं, अत्यंत साधारण नीड्स हैं जो इस प्ले में डिस्क्राइब की गई हैं? तो वो हैं फूड एंड सेक्स। करेक्ट ऑप्शन सी, फूड, भोजन और सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इम्पॉर्टेंट थीम इन द प्ले आर। प्ले में जो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं वो क्या हैं? तो इम्पॉर्टेंट थीम है वो लव एंड सेक्स। करेक्ट ऑप्शन ए, लव एंड सेक्स, क्योंकि प्यार और सेक्स की ही कहानी पूरी प्ले में चलती है। वो उसको प्यार करती है, उसके साथ सेक्स बनाता है, ये है वो, क्योंकि रीता अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ मोड़ लेती है। इसलिए फ्रॉम वेयर डिड द ही कम्प्लीट हिज ग्रेजुएशन। फ्रॉम वेयर, कहाँ से उसने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द प्ले बिगिन। प्ले कहाँ आरंभ होता है? तो मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, जूहू बीच था एक, वहाँ पर टॉनी एक झूले पर, कोच पर लेटा हुआ है, गिटार बजा रहा है, वहाँ से प्ले आरंभ होता है। हु लव्स टॉनी पैशनेटली, हु लव्स टॉनी पैशनेटली, टॉनी को पूरी भावना के साथ कौन प्यार करता है? तो वो रीता प्यार करती है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। हु इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार, गिटार को बजाने का कौन शौकीन है? तो वो है टॉनी। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, टू एक्ट प्ले है ये, इसमें टू एक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अंकल लॉलीपॉप हैज अफेयर्स विद, अंकल लॉलीपॉप का किसके साथ अफेयर हो जाता है? तो रीता है, करेक्ट ऑप्शन ए। हु कमिट्स सुसाइड इन द एंड, अंत में सुसाइड कौन करता है? सुसाइड जो कर लेता है अंत में, समुद्र। हु रन्स टुवार्ड्स द सी टू कमिट सुसाइड, समुद्र की तरफ सुसाइड करने के लिए कौन दौड़ता है? तो समुद्र की तरफ सुसाइड करने के लिए रीता दौड़ती है, जब टॉनी उसको थप्पड़ मार देता है और भला बुरा कहता है उसको। हु इज इलेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड कौन है, मतलब नाजायज बच्चा इस प्ले में कौन है? वो जो है, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। हु परस्यूट्स रीता टू एडॉप्ट प्रोस्टिट्यूशन, रीता को कौन परस्यूट्स करता है, मनाता है, राजी करता है एडॉप्ट प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने के लिए? जो करता है, जो परस्यूट्स करता है रीता को कि तुम ऐसा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड आई एम द लिटिल मैन, कौन, किसने कहा कि मैं लिटिल मैन हूँ? विद लार्ज पेयर ऑफ सीजर, लार्ज पेयर ऑफ सीजर, कैंची के लार्ज पेयर की तरह। आई एम ए किल बॉय, मैं किल बॉय हूँ, एंड आई किल ट्रुथ, मैं किल ट्रुथ हूँ, पुट टूगेदर, ये किसने कहा है? तो ये कहा है जो ने सुसाइड करता है वो वैन नहीं देन ही स्लैप्स हर, तब वह उसको थप्पड़ मारता है, एंड सेज और कहता है, ही इज लीविंग हर, वह उसे छोड़ रहा है, ही वांट्स टू लीव, वह उसे छोड़ना चाहता है, ओल्ड मैरोन मो बिहाइंड टू टेक, बिहाइंड पीछे है, टू टेक हिज प्लेस, उसका स्थान लेने के लिए, ओल्ड मैरोन मो उसका स्थान लेने के लिए
उसके पीछे है हु स्लैप्स हु, किसने किसको थप्पड़ मारा था। टॉनी ने रीता को थप्पड़ मारा था और उससे छोड़ने की बात की थी, और रीता सुसाइड करने के लिए समुद्र की तरफ दौड़ी थी लेकिन बच जाती है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। हिज बॉडी बाज वास्ट एशोर, उसकी बॉडी वास्ट एशोर हो गई, वास्ट धुल गई, एशोर मतलब तट पर। यस्टरडे कल, हिज बॉडी रेफर्स टू हुम, उसकी बॉडी किसको ऑफर करती है। करेक्ट ऑप्शन जो, ठीक है, क्योंकि जो ही मर जाता है। हु इज पीएचडी एंड फिलोसॉफिकल यंग मैन, कौन पीएचडी और फिलोसॉफिकल यंग मैन था, तो वो था जो ही था, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन डी हो। हु गेट्स प्रेग्नेंट इन द प्ले, प्ले में प्रेग्नेंट कौन हो जाता है, तो प्ले में प्रेग्नेंट रीता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेव्स टॉनी, टॉनी को कौन बचाता है, टॉनी को रीता बचाती है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से डॉल ड्रीमर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम क्लियर हो जाते हैं। एक दो बार वीडियो को देख लिया करो, क्वेश्चन अपने आप माइंड में बैठ जाता है। ओके, थैंक यू।